नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती भरद्वाज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कार्य प्रगति पर है, अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकते, यानी कि किसी अन्य को यहाँ पर आना मना है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और देख सकते हैं कि यहाँ पर ठंड काफ़ी है, जिसकी वजह से आसपास आपको कुहासा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पास में ही गंगा नदी है और गंगा नदी पर ही एक केवल 6 लेन केवल ब्रिज बन रहा है। तो देख सकते हैं ठंड भी काफ़ी है यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आपको वीडियो है ये न्यू अपडेट है, और देख सकते हैं पहले के अकॉर्डिंग कितना काम यहाँ का आगे बढ़ा है और कार्य बहुत ही तेज़ी से प्रगति पर है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यह हमारे देश की तीसरी लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, जो कि अब गंगा पर बन रहा है। नर्मदा व यमुना नदी के बाद प्रस्तावित इस 2000 मीटर लंबे ब्रिज के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गेवन इंडिया कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। और आपको बता दूं कि इस ब्रिज को गेवन इंडिया कंपनी द्वारा ही बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये ब्रिज को बनाने में 2 साल अभी और लगेंगे। आपको ये भी बता दूं कि अभी तक केबल ब्रिज तरकीब ब्रिज गुजरात के भरूच स्थित नर्मदा नदी और यूपी के इलाहाबाद नैनी ब्रिज यमुना नदी पर बन करके तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी उसी तरकीब से दूसरा पुल अब बनारस में भी बन रहा है, जो कि 2 किलोमीटर लंबे 6 लेन बनाने वाले ब्रिज की लागत 450 करोड़ रुपए है। चौबेपुर के बरियासमपुर से चंदौली तक बनने वाले 27 किलोमीटर लंबे रिंग रोड फेज 2 के पैकेज 2 से केबल स्टेट ब्रिज को जोड़ा जाएगा, जो कि बाद में इलाहाबाद कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 से लिंकअप होगा। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस ब्रिज को बनाते ही औसतन प्रतिदिन 18,000 वाहनों का आवागमन सुलभ हो सकेगा। दोस्तों ये भी बता दूं कि इस ब्रिज के नीचे से जहाज गुजरने के लिए 2 पिलर के बीच में 100 मीटर की दूरी रहेगी, क्योंकि वाराणसी से हल्दिया तक जहाज भी चलेगा। जल परिवहन को बढ़ावा देने की योजना है। पाइपलाइन में इसके लिए रामनगर में बंदरगाह का निर्माण भी हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ब्रिज की जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाई जा रही है कि नीचे से जहाज आराम से गुजर जा सके, जिसके लिए 2 पिलर के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर रखी गई है। इस ब्रिज की डिज़ाइन वी शेप में बन करके तैयार होगा। इसके लिए इसमें LED लाइटें भी लगाई जाएंगी, ताकि रात के वक्त पुल से गुजरते वक्त विहंगम नज़ारा दिख सके। आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो पिलर है अभी कितना तक और कहां तक इसका काम पहुंचा है और किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की जा रही है, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी ये जो पिलर है इसके ऊपर भी लाइट लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है। और इधर देख सकते हैं पूरा जल ही जल है, पानी है, जो कि गंगा नदी का है, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी लग रही है। और देख सकते हैं कि काम यहाँ तक पहुँचा है अभी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देख सकते हैं काफ़ी ठंड है अभी। और इस देश में सिर्फ एक ही हीरो नहीं कि जो कि बस फौजी भाई लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश में मिस्त्री लोग भाई भी हैं, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी मुसीबत भरी काम करते हैं, कार्य करते हैं, बड़े से बड़े ब्रिज और बड़ी से बड़ी सड़कें और बिल्डिंग बनाते हैं, जो कि उनकी भी जान जोखिम पर रहती है। तो भाई उसके लिए भी एक लाइक ज़रूर बनता है।
और जितना फौजी भाई लोगों को सम्मान मिलता है उतना मिस्त्री भाई लोग को भी सम्मान मिलना चाहिए। में रहेगा जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं बिल्कुल, और रात के समय में बिल्कुल ऐसे विहंगम नजारा होगा। तो जैसा तस्वीर में देख रहे हैं वी शेप में, ऐसे ये केबल ब्रिज वाराणसी में बनने वाला है जिसका कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, जो कि 2 साल अभी और भी लगेंगे इसके बनने में। दोस्तों इस वीडियो का ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अभी आपको इसका और भी अपडेट्स आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।